नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बार एसोसिएशन बीकापुर अध्यक्ष आबाद अहमद एवं मंत्री ब्रह्मानंद मिश्र हुए विजयी। अध्यक्ष जनपद के बीकापुर बार एसोसिएशन बीकापुर का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से अध्यक्ष पद के लिए आबाद अहमद 80 वोट पाकर विजयी घोषित किए गए। आबाद अहमद अपने प्रतिद्वंदी वेशनाथ तिवारी को भारी अंतर से पराजित कर अध्यक्ष पद की कुर्सी हासिल की। इसी कड़ी में मंत्री पद के लिए ब्रह्मानंद मिश्रा विजयी घोषित किए गए। आपको बताते चले, 119 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। अध्यक्ष आबाद अहमद खान एडवोकेट ने कहा कि जीत मेरी नहीं है, अधिवक्ताओं की है। अध्यक्ष से रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट। जितने छोटे थोड़े और से रुकता था मामला, सब जोड़ कर हो गया। ये आ रही है, बार का गेट भी आ रहा है, सारे पदाधिकारी भी आ रहे हैं। चुपचाप रहो। आगे रुको यार, आगे चले यार। आज अपनी तहजीब को लेकर चलने वाला है और मुझ जैसे व्यक्ति को चुनाव जिता करके, अपार वोटों से चुनाव जिता करके अपने अपार प्रेम का और सौहार्द का परिचय दिया है। मैं इसके लिए सभी की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत सभी साथियों को बधाई देता हूं। सभी सम्मानित साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों का प्रेम स्नेह मुझे मिला है, मैं निश्चित रूप से बीकापुर बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित साथियों का निश्चित रूप से पूरा समर्थन करूंगा। हर मुद्दे पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा और तमाम जो भी बातें होंगी मैं उसको सभी से मिलजुल बैठ करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा और उत्तरोत्तर बीकापुर बार एसोसिएशन को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करूंगा। इसमें कहीं भी कोई कमी और कसर नहीं आने पाएगी। सभी सम्मानित कमेटी के सम्मानित सदस्यों को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। अपने भाषण में पहले भी इस बात को कहा था कि मुझको बीकापुर बार की सम्मानित सदस्यों के द्वारा अवसर मिला तो निश्चित रूप से मैं बीकापुर में दीवानी न्यायालय की स्थापना को लेकर के और ग्राम न्यायालय को बीकापुर तहसील प्रांगण में लाने का पूरा प्रयास करूंगा और बीकापुर तहसील में प्रयास करूंगा अधिवक्ताओं के सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा वादकारी जनता को न्याय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ताकि जो हमारी क्षेत्रीय जनता आती है उन्हें न्याय से वंचित न होना पड़े।